हालांकि गोडरा गांव में पुलिस ने सिविक एक्शन कार्यक्रम किया, जिसमें एसपी अभिषेक पल्लव 5 लाख के नामे नक्सली गोडरा सोड़ी के घर पहुंचे और नक्सली के परिजन से मुलाकात की और उन्हें जरूरी सामान भी दिए। मुलाकात के दौरान एसपी ने उन्हें कहा कि वे बुधरा को समर्पण के लिए समझाएं। एसपी ने नक्सली के परिजनों को आत्मसमर्पण नीति के बारे में भी जानकारी दी, जिससे नक्सली बेहतर जिंदगी जी सकता है। बच्चों को कपड़े, महिलाओं को साड़ी, किताबें पुलिस द्वारा दी गई। उनको शासन की पुनर्वास नीति के बारे में बताया गया कि बुजुर्ग जो कि 5 लाख का इनामी है, यदि वो आत्मसमर्पण करता है शासन की तरफ से उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे और वो गांव में रहकर खेती बाड़ी करके अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सकता है।